हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टीटी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ खुशखबरी से भरी हुई सूचना के विषय में, जो सभी शिक्षक के लिए खुशखबरी भरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जो इस चैनल पर विजिट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो सूचना प्रकाशित हुई है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसे संबंधित जानकारी को जानते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ प्रधानाध्यापकों की बहाली में स्थानीय निकायों व निजी स्कूलों के अनुभव जुड़ेंगे। मतलब साफ है कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक गण हैं, चाहे वो सरकारी से हैं, चाहे वो प्राइवेट विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, उन सभी के लिए ये खुशखबरी भरी खबर है कि उन्हें इसमें अवसर दिया जा रहा है। बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन, 4 से लेकर 12 वर्ष तक न्यूनतम अनुभव की अर्हता अनिवार्य इसमें रखा गया है, बशर्ते बीपीएससी की ओर से उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6061 प्रधानाध्यापकों के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को शिक्षक अनुभव की योग्यता को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि शिक्षकों के अनुभव में स्थानीय निकायों और नियोजित शिक्षकों की अवधि या निजी स्कूलों में पढ़ाने की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी शिक्षकों के लिए, क्योंकि सभी शिक्षकों को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उनके अनुभव को भी वरीयता दी जा रही है। सरकार चाहती है कि इस बार योग्य शिक्षक जो हैं वो विद्यालय में आए और बच्चों का उज्ज्वल भविष्य जारी रखे और अधिक उनमें प्रोन्नति कर सके। अर्हता की अवधि को अलग अलग रखा गया है, बीपीएससी ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत 11-12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर 4 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम अर्हता होगी। माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि वर्ग 9-10 के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर 8 वर्ष लगातार सेवा न्यूनतम अर्हता होगी। माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि 11-12 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। सीबीएसई, आईसीआईसी, बीएसबी से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक रहे हो और बाद में नियोजित शिक्षक या बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक बने हो तो ऐसी स्थिति में दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभवों की अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 साल की अवधि मान्य होगी। निजी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक रहे हो और बाद में 11-12 के नियोजित शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हो तो दोनों तरह के विद्यालयों के अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि मान्य होगी। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी के जो अध्यापन के कार्य हैं, चाहे वो निजी स्कूल में जिसमें सरकार के द्वारा, उन्हें बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त था, वहाँ पे आपने विद्यालय अध्यापन का कार्य किया है, तो ये आपके लिए अवसर की तरह आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।